हेलो एवरीवन चलिए एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करते हैं व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन गलत है ये व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर सर्विस होगा उसके बाद का जो क्लॉज है एज इट इज़ रहेगा क्यों ऐसा होगा लेकिन दो एक्शन की बात हो रही है तो जो जो एक्शन पहले होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो पहले पहले क्या होगा पहले उसको पेंशन मिलेगा या पहले वो अपना सर्विस कंप्लीट करेगा तो ऑब्वियसली पहले वो अपना सर्विस को कंप्लीट करेगा तो पहले जो सर्विस कंप्लीट होगा उसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन आई होप क्लियर हुआ होगा नोट है ये इसमें वही लिखा हुआ है इफ़ द सेकेंड एक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर द फर्स्ट एक्शन हैज़ ऑलरेडी फिनिस्ड द फर्स्ट एक्शन विल बी इन प्रेजेंट परफेक्ट एंस नेक्स्ट एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आई शैल टेक यू फॉर लंच आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग दो एक्शन हो रहा है ठीक है तो जो पहला एक्शन होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो प्रेजेंट तो पहला एक्शन क्या है लंच पे जाना या मीटिंग कंप्लीट करना तो ऑब्वियसली मीटिंग कंप्लीट करना तो क्या होगा ये आई शैल टेक यू फॉर लंच आफ्टर यू विल रिटर्न नहीं आफ्टर यू हैव रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग प्रेजेंट परफेक्ट एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इफ यू ट्राइड अगेन ही कैन विन द रेस विद डीट मार्जिन पास्ट की बात हो रही ट्राइड पास्ट है इफ़ ही ट्राइड अगेन ही कैन की जगह कूड आएगा कैन का पास्ट होता है कुड इफ़ ही ट्राइड अगेन ही कुड विन द रेस विथ डिसेंट मार्जिन नेक्स्ट है अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर अनलेस के साथ में नॉट विल नॉट नहीं लगेगा अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर नेक्स्ट शी विल कम टू मीट यू एज सन एज यू विल रीच दिल्ली दो एक्शन हो रहा है पहला जो एक्शन होगा वह सिंपल प्रेजेंट में रहेगा शी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू रीच दिल्ली ठीक है विल नहीं लगेगा रीच दिल्ली आएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझ जाएँगे आप लोग इफ़ आई विल फाइंड हर एड्रेस आई विल सेंड हर अन इन्विटेशन दो चीज़ हो रहा है एड्रेस फ़ाइंड करना और इनविटेशन भेजना पहला काम क्या है जो पहला काम होगा वो ही सिंपल प्रेजेंट में रहेगा आई इफ आई विल फाइंड हर एड्रेस पहले एड्रेस फ़ाइंड करेगा तब ना इनविटेशन भेजेगा तो जो पहला एक्शन है वो सिंपल प्रेजेंट इफ़ आई फाइंड हर एड्रेस होगा इफ आई फाइंड हर एड्रेस आई विल सेंड हर एन इन्विटेशन ठीक है तो कहाँ गलती समझिए आप लोग ठीक है ये सब कंडीशनल सेंटेंसेस के सारे एग्जांपल्स लिया है मैंने आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को नेक्स्ट है ही इज गोल्डेड मी एज इफ ही वॉज़ माई फादर सेम है ये तो आप लोगों को याद ही होगा वॉज की जगह वर होगा इमेजिनरी चीज़ें की बात हो रही है इमेजिनरी एक्शन ही इज़ गोल्डेड मी एज इफ ही वर माई फादर ठीक नेक्स्ट है ये मैंने वो कैबरी लिया हुआ है न्यूज़पेपर से पेयर डाउन का मतलब होता है फ्रेजल वर्ब है ये इसका मतलब होता है रिड्यूस करना ट्रिम करना कम करना आफ्टर मैथ आफ्टर मैथ मतलब कोई काम किया उसका परिणाम यानी कि रिज़ल्ट कॉन्सिक्वेंस रिटोर्ट रिटोर्ट का मतलब होता है जवाब देना रिप्लाई करना रिस्पॉन्ड करना रिप्राइजल का मतलब होता है बदला लेना रिटेलिएशन वेंजियंस रिवेंज ये सिनोनिम्स है याद कर लीजिएगा रिप्राइजल का मतलब होता है रिटेलिएशन वेंजियंस रिवेंज रिटोट आफ्टर मैथ पे डाउन ये सब को याद कीजिए नोट कीजिएगा इस थैंक यू सो मच